अनुभव सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। पहले आप ये जो सिटिंग वाला झगड़ा है ये समझाइए। पहले शिवपाल यादव चाहते थे सिटिंग अलग हो जाए, मांग मानी नहीं गई, अब सिटिंग को लेकर अखिलेश भी कह रहे हैं। तो सीट का झगड़ा बाहर तो देखने को मिलता था, विधानसभा में लग रहा है कि इतना खुलकर पहली बार झगड़ा सामने आया है सीट में बैठने को लेकर। देखिए बिल्कुल जो बात आपने कही कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, इसीलिए अब आप जो सिटिंग की बात कर रहे हैं, जब ये नई विधानसभा का गठन हुआ तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पार्टियों के जो नेता हैं विधानमंडल दल के उनसे सिटिंग अरेंजमेंट मांगा, और समाजवादी पार्टी ने जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया उसमें अखिलेश यादव तो चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो वो आगे सबसे आगे की जो सपा की तरफ अलॉट सीट है वहाँ पर सबसे आगे बैठे, और पीछे की पंक्ति में शिवपाल यादव को सीट अलॉट कर दी। अब शिवपाल यादव इस बात से नाराज हुए थे और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, ये खबर भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, वो मई की बात थी। और अब अखिलेश यादव ने दो दिन पहले जो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि शिवपाल यादव की सीट अलग कर दी जाए जी, आगे कर दी जाए। किस लिए कर दी जाए? क्योंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। अब देखिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं, अब विधानसभा में प्रसपा कोई मान्यता प्राप्त दल नहीं है। शिवपाल यादव तकनीकी रूप से विधायक किसके? समाजवादी पार्टी के। तो जब आपको सीट अलॉट करनी थी तब तो आपने उनको सेकंड दूसरी पंक्ति की सीट अलॉट करके भेजा विधानसभा अध्यक्ष के पास, और अब आप कह रहे हो कि उनको आगे की सीट इसलिए दे दीजिए कि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। जिस पार्टी के तकनीकी रूप से विधायक है सीट तो उसी पार्टी। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज अनुभव आपने पॉइंट आउट की है कि जब अखिलेश को देना था तब उन्होंने दूसरी सीट दी, जब विधानसभा अध्यक्ष को देना है तो पहली सीट की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे भी कोई बड़ी सियासी रणनीति है क्या, बीजेपी को घेरने की या अन्य लोगों को कहीं किसी को घेरने की? देखिए शब्द उन्होंने चिट्ठी में चाहे जो लिखे हो लेकिन उसके पीछे संदेश वही है जो बात आपने कही कि दूरियां बहुत हो गई। अभी शिवपाल यादव जहां बैठते हैं, जो लोग विधानसभा से परिचित होंगे, वो जो आगे की सीट है उसके ठीक पीछे की सीट है और वहां छह विधायकों के बैठने के अरेंजमेंट है। शिवपाल यादव बिल्कुल बीच में बैठ जाते हैं, यानी दो विधायक इधर बैठते हैं, दो सपा के विधायक इधर बैठते हैं और बीच में शिवपाल यादव बैठते हैं, तो उनको भी कई बार दिक्कत होती है। और पिछले सेशन में हमने क्या देखा, वहां सपा के विधायक बैठे थे वो तो सरकार का विरोध कर रहे थे लेकिन शिवपाल यादव चुप थे और वहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन सत्र के दौरान हो जाती है और शायद इससे बचने के लिए ही अखिलेश यादव ने ये चिट्ठी का दाव चला है कि भाई हम तो चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि उनको आगे की सीट दीजिए क्योंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। अब प्रसपा जब मान्यता प्राप्त दल है ही नहीं तो उसको विधानसभा अध्यक्ष कहां से सीट अलॉट कर देंगे? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपने सुन लिया सारा चीज, अनुभव ने बड़ा विस्तार से समझा दिया, जिन्हें नहीं मालूम रहा होगा वो भी बहुत सरल शब्दों में समझ गए। ये क्या खेल चल रहा है मेजर साहब, ये सीट वाला? हमने विधानसभाओं में चुनाव में तो सीट का झगड़ा देखा था लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और केवल एक व्यावहारिक तौर पे जैसा अभी आपने अभी जो चल रहा था उसमें सुना कि शिवपाल जी जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच बैठते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब जब से वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ करते हैं तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसको देखते हुए अखिलेश जी ने ये चिट्ठी लिखी कि भाई उनको आप आगे की सीट दे दीजिए। उन्होंने एक सम्मान पूर्वक उनको ये लिखा है कि उनको उनसे मतलब साइड में कर दें या आगे कर दें, तो उन्होंने एक सम्मान पूर्वक जैसे सम्मान हमेशा उन्होंने उनको दिया, बहुत पिछली सरकार में भी वो पिछले जो विधानसभा थी उसमें भी वो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे विधायक थे जबकि वो विरोध कर रहे थे, अखिलेश जी चाहते तो उनकी जो विधायकी है वो खत्म कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए व्यक्तिगत आप तौर पे आप समाजवादी पार्टी से नाराज हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपके संबंध भी हैं, आप रिश्ते में भी हैं, तो लेकिन फिर भी अखिलेश जी ने उस मनमुटाव के बाद ही उनको एक सम्मान देने का प्रयास जरूर रखा है और कभी भी कोई गलत चीज नहीं उनको कही है या ना कभी ऐसा कुछ दर्शाया। उसी में आप देख रहे हैं कि व्यवहारिक है कि अगर आप एक विरोधी दल में हैं और आप सत्ता पक्ष की तारीफ ही करते रहेंगे और जहां सबसे नाराजगी ही जताते रहेंगे तो आप उनके बीच में कैसे बैठेंगे?
ठीक है सलील बिश्नोई जी, इन पूरी परिस्थितियों को आप भी देख रहे होंगे और ये चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो विधान भवन है वहाँ से हमेशा एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, वहाँ जो कुछ भी होता है जनता के बीच पहुँचता है। ये जो सिटिंग वाला झगड़ा सामने आया है ये किस तरीके का मैसेज जा रहा है और आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए ये इनके परिवार की लड़ाई है और उसका ये दांव पैच चले जा रहे हैं जी। महाभारत में तो कौरव और पांडव दो पक्ष थे, उनमें झगड़ा हुआ तो महाभारत हुआ, लेकिन ये तो कौरव ही आपस में लड़े जा रहे हैं। इसके पीछे अगर मनसा अखिलेश जी की ये थी कि शिवपाल जी को आगे की सीट मिले तो इन्हें अखिलेश जी अपने बगल की भी सीट पर बैठा सकते थे अपने चाचा को, लेकिन उन्होंने अपने बगल की सीट पर ना बैठा के अलग सीट देने की बात की है। इसके पीछे उनकी मंशा दूर तलक समझिए आप बात को। अभी तो सीट अलग करने की बात कर रहे हैं, कल वो कहेंगे ये मेरी पार्टी से अलग हो गए चूक समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये जीत के आए हैं, इसके लिए इसकी सदस्यता इनकी समाप्त कर देनी चाहिए। ये टेक्निकल लड़ाई लड़ी जा रही है जो अभी लड़ने की डायरेक्ट हिम्मत नहीं पड़ रही अखिलेश। लेकिन विष्णु जी क्या करें, अखिलेश यादव अब वो बैठते हैं उनके खेमे में है और तारीफ वो आपकी कर देते हैं, आपके सीएम की कर देते हैं, तो कौन ये झेल पाएगा? आप भी नहीं झेल पाएंगे अगर आपके बीच कोई बैठा हुआ अखिलेश यादव की तारीफ कर दे तो। भाई सवाल ये है कि हमारे बीच में बैठने वाला अगर कोई सत्य बात कह रहा है, हकीकत कह रहा है, तो हम उसको सहन करेंगे। अगर शिवपाल जी सपा के खेमे में बैठ के मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? पहले भी हमारे ये जो स्वच्छ राजनीति और निष्पक्ष राजनीति जो स्वस्थ वातावरण बनता था वो तमाम बातों पे हम लोग विरोध में रहते हुए भी सरकार की तारीफ करते थे। ऐसा थोड़ी होता कि हर बात सरकार की हम विरोधी करें, जो अच्छे काम सरकार करती है उसकी हम तारीफ भी करते हैं। और योगी जी की सरकार अच्छे अच्छे काम कर रही है, अगर शिवपाल जी उसकी बड़ाई कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? मेजर आशीष जी पूछ रहे हैं कि ये तो इतिहास रहा है तारीफों का, तो उसमें समस्या क्यों हो रही है? देखिए मैंने खुद भी योगी जी की कई बार प्रशंसा करी है और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो मोदी जी से मेरी नजर से ज्यादा काबिल जो है वो दावेदार है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल के हैं तो आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत के आते हैं आपको उसकी मर्यादा उसके मान सम्मान का भी ख्याल रखना है। आप केवल व्यक्तिगत तौर पर यदि आप भारतीय जनता पार्टी से इससे प्रभावित हैं तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, किसी ने मना थोड़ी किया है आप। लेकिन नाव हमें आप इस तरह बैठे और दूसरी नाव पे भी वो चीज ठीक नहीं लगती है। कोई अच्छे काम की तारीफ करना वो किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी बात है, हर कोई करता है और करना भी चाहिए और जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो गए कई बार गए लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको लिया नहीं, उन्हें प्रयास मुझे लग रहा है शिवपाल जी ने काफी किया था उधर जाने का, लेकिन जो भी कारण हो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही साथी बता सकते हैं कि उन लोगों ने क्यों शिवपाल जी को नहीं लिया अपने साथ, तो वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं लिया इतने तारीफों और इतने मेल मिलाप के बाद भी। ये तो वही लोग बेहतर बता पाएंगे। ठीक है एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।